पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और मारूफ टीवी मेजबान आमर लियाकत हुसैन और तुबा आमिर गुज़िश्ता साल अपनी दूसरी शादी के हवाले से शह सुर्खियों की जद में रहे थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में आमर लियाकत हुसैन ने वलीमे की तस्वीर शेयर करके इसकी बाकायदा तस्दीक भी की थी, वरना इससे पहले सोशल मीडिया पर ही उस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। आमर लियाकत की दूसरी शादी पर उनकी पहली अहलिया बुशरा और बेटी दुआ आमर की जानिब से सोशल मीडिया पर रद्द अमल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना, क्योंकि आमर लियाकत की साहबजादी दुआ ने ट्वीट में लिखा था, एक और दिन एक और अलमिया, जब से आपने अपनी फैमिली का दिल दुखाया आपकी बेहतरी के लिए दुआ है दिल से और उसके लिए भी जिसने घर तबाह किया। उम्मीद है अल्लाह आपकी सही सिमत में रहनुमाई फरमाए। जिस वक्त आपके बच्चे अपने आंसू पहुँच रहे हैं कर्ब में मुब्तला आपकी उजड़ी हुई बेटी दुआ आमिर। मगर अब एक और अदाकारा ने दावा किया कि दुबा से कबल आमर लियाकत ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। जी हाँ, आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं फिजा अली की, लेकिन इस हवाले से तफसीलात मजीद क्या सामने आई उसे आगाह करेंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान अदाकारा फिजा अली ने दावा किया कि आमर लियाकत ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। उन्होंने कहा, आमिर साहब एक अच्छे शख्स हैं, उनका दिल साफ है, वो अपने दिल में कुछ नहीं रखते, वो वही कहते हैं जो वो सोचते हैं। उन्होंने बताया, जब मेरी तलाक हुई तो उन्होंने अपनी बीवी के सामने अच्छी नीयत से शादी की पेशकश की थी। ऐसा नहीं है कि हम मिलते थे या कुछ और था, मैं कराची गई हुई थी तो उन्होंने मुझसे उस वक्त शादी के बारे में बात की जब उन्हें इल्म हुआ कि मैं अपने शोहर से अलग हो गई हूँ। फिजा अली के मुताबिक, वो दुनिया के सामने मुझसे शादी करना चाहते थे, उन्होंने अपनी पहली बीवी बुशरा के सामने अच्छे अंदाज से पेशकश की, मगर मैं उस डिप्रेशन से लड़ रही थी और हर चीज को नजरअंदाज कर रही थी। उसके बाद मैंने तौबा से उनकी शादी के बारे में सुना और उनकी दोनों बीवियां मेरी अच्छी दोस्त हैं। आमर लियाकत और तौबा आमिर अदाकारा फिजा अली के शो में शरीक हुए और उनकी ये दूसरी शादी वाले मामला फिजा अली के ही प्रोग्राम में सामने आया था। दरअसल आमर लियाकत और तौबा आमर अदाकारा फिजा अली के शो में शरीक हुए थे, जहां मारूफ मेजबान ने अपनी बीवी के सामने अदाकारा को शादी की पेशकश की। स्टेज पर तौबा के आने पर फिजा ने कहा कि वो उनके शोहर के साथ खड़ी हो जाएं, तो इस पर आमर लियाकत ने मजाक करते हुए कहा, वो तो आपने देर कर दी वरना आपका ही ऐलान हो रहा होता। अपने शो में आमर लियाकत के मजाक पर फिजा अली ने कहा, वो शो पर आए वो कहने लगे कि अभी भी शादी के लिए ताहिर नहीं, उनका कहना था कि तौबा को इससे कोई मसला नहीं। यानी कि आमर लियाकत ने एक और सीधी सीधी पेशकश कर दी है फिजा अली को शादी की। वाले सवाल से अब आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करिए।